दोस्तों, 8 पे कमीशन को लेकर आया नया अपडेट। 8वां वेतन लागू होते ही केंद्र कर्मचारियों की हो जाएगी 44.44% की जोरदार बढ़ोतरी। दोस्तों, पूरा डिटेल में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बता दें कि केंद्र सरकार नए साल पर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अच्छी खबर पे कमीशन से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 44.4% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक नए वेतन आयोग के गठन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि अगले साल मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों के बड़ा ऐलान कर सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने में दूसरी बार सरकारी कर्मचारी अगले वेतन आयोग पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इसके मूड में आ गई तो केंद्र कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हालांकि उम्मीद है कि अगले वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है। 7वें आयोग के मुकाबले 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए लॉटरी निकालने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना हो जाएगा। साथ ही फार्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% का इजाफा हो सकता है। दोस्तों, यह थी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जिससे कर्मचारी खुश हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि वेतन आयोग का गठन अगले साल कब होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को जोरदार फायदा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पक्ष में है कि वेतन आयोग के लिए पैनल गठित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय वेतन आयोग के भीतर ही वेतन संशोधन के लिए एक नया फॉर्मूला होना चाहिए। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 में किया जाना चाहिए। वहीं इसे 1.5 साल के भीतर लागू किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब तक सरकार हर साल 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती आ रही है। दोस्तों, यह थी आज की गुड न्यूज़। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।